हेलो दोस्तों, आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग परसेंटेज टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। और अभी एग्जांपल चल रहे हैं, तो हमने पिछले कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करा दिया था, तो आज देखिए इस वीडियो में आगे के एग्जांपल्स को। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई है, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, देखिए गोले के व्यास में या परिधि में या त्रिज्या में जब भी हम वृद्धि या कमी करेंगे तो एक ही कंसेप्ट लगेगा, और वो कंसेप्ट आपका ये है कि आप किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग में 100 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, और आप कमी हो रही है तो पहले आप 10 माइनस कर देंगे तो देखिए ये बच जाएगा आपका 90। और अगेन आप क्या करेंगे, इसमें से आपको फिर 90 का 10% माइनस करना है और वो बनेगा आपका 9। ये हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा, 81%। आप देख सकते हैं 100 से कोई चीज़ 81 हो रही है तो कितनी कम हो रही है, 19% कम हो रही है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट आएगा वो 19% आएगा, समझ रहे हैं। इसे आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ओके। और आपको ध्यान में रखना है कि जब भी वृत्त से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो चाहे परिधि का हो, चाहे व्यास का हो, चाहे त्रिज्या का हो, आपको दो बार एक ही वैल्यू का प्रयोग करना पड़ेगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%। देखिए यहाँ बेलन का आयतन ऊंचाई और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का तरीका यही होगा। पहले तो इसके आयतन के फॉर्मूले को लिखते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देख सकते हैं आर यहाँ पे रेडियस का काम करती है और एच ऊंचाई होती है, तो रेडियस को दो बार और हाइट को एक बार लेते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या हुआ, कंसेप्ट हुआ अगर इसकी वैल्यू सेम होती, मतलब आर और एच इक्वल होते तो इसमें क्यूब का कॉन्सेप्ट लगता, लेकिन यहाँ पे आर आपकी 5% बढ़ रही है और हाइट 10% बढ़ रही है, इसलिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है। और वो ये है कि पहले आप इसका वॉल्यूम 100% मानेंगे, फिर 5% जब बढ़ाएंगे तो 105 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है, तो एक बार फिर 5% बढ़ाएंगे तो 105 का 5% निकलेगा यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। देखिए जो घन होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब, अर्थात ए क्यूब बोलते हैं इसे, और ए क्यू यानी 10 है तो 10 का क्यूब हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस भुजा का 3 बार यूज करना है, तो क्या आप 3 बार प्रोसेस को फॉलो करेंगे? जी हाँ, आप 3 बार भी फॉलो कर सकते हैं। और इसका एक और अच्छा कंसेप्ट हमारे पास है, वो ये है कि आप 10% को लिख लेंगे 1/10, अब वृद्धि हो रही है तो इसे जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 11/10, आप इसका होल क्यूब करेंगे तो ये देखिए 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का होता है 1000, ठीक है ना। तो 10 का हो जाएगा 1000, आप इसके बीच में जो डिफरेंस देखेंगे ये आएगा 331, इसको आप परसेंटेज में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे, परसेंटेज में, तो आप देखेंगे 2 जीरो कटने के बाद यहाँ से मिलेगा 33.1%, इतनी वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो जब सिमिलर वैल्यू होती है तो आप ये कंसेप्ट लगाएंगे, अगर 3 अलग अलग वृद्धि होंगी तो आप 3 वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया है 100 में प्लस करके, ठीक है। क्वेश्चन ये, एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10, 20, 10 घटाई गई, हाल के आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। देखिए यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज हैं, तो आप ऐसे सोचेंगे पहले 100 होगी, फिर 10% घटाई गई तो 90 हो गई, फिर 20% घटाई गई तो 90 का 20% हो जाता है 18, 18 कम करेंगे तो 72 हो जाएगा, और 72 का फिर कम कर देंगे 10% तो ये हो जाएगा 7.2%। तो देख सकते हैं 10 कम हो रही है, 18 कम हो रही है, 7.2, इनको ऐड करके आंसर दे सकते हैं, या फिर 72 में से जब आप 7.2 माइनस करेंगे ये मिलेगा 64.8, ठीक है ना। और ये डिफरेंस आप देखेंगे ये मिलेगा 35.2, ये डिफरेंस आपको 100 और 64.8 का मिलेगा 35.2, ठीक है। आज 25 पॉइंट लग जाएगा तो ये ऐड होके आ जाएगा 110.25। ये जो परिवर्तन आया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये परिवर्तन आपका रेडियस की वजह से आया है। अब आपका हाइट का परिवर्तन और देखना है तो आप 110.25 का जब आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 11.025, ये आपको वृद्धि और मिलेगी, ये वृद्धि आपको यहाँ जोड़ देनी है, ऐड कर देनी है, तो 121.2
2.75 ये मिलेगा। अब आप देख सकते हैं 100 से अगर कोई चीज बढ़ रही है तो टोटल कितनी वृद्धि आ रही है, टोटल वृद्धि आ रही है 21.275, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके क्वेश्चन ये, एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 20 10 घटाई गई, हाल के आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। देखिए यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज है, तो आप ऐसे सोचेंगे पहले 100 होगी, फिर 10% घटाई गई तो 90 हो गई, फिर 20% घटाई गई तो 90 का 20% हो जाता है 18, 18, 18 कम करेंगे तो 72 हो जाएगा, 72 का फिर कम कर देंगे 10% तो ये हो जाएगा 7.2%। तो देख सकते हैं 10 कम हो रही है, 18 कम हो रही है, 7.2, इनको ऐड करके आंसर दे सकते हैं, या फिर 72 में से जब आप 7.2 माइनस करेंगे ये मिलेगा 64.8, ठीक है ना। और ये डिफरेंस आप देखेंगे ये मिलेगा 35.2, ये डिफरेंस आपको 100 और 64.8 का मिलेगा 35.2, ठीक है जी। हाँ अगला क्वेश्चन हमारा, एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। इसका भी यही कंसेप्ट है, मान लीजिए 100 थी, 10 घटाई जाएगी 90 हो जाएगी, फिर यहाँ 20 घटाई जाएगी तो 90 का हम लोग 20% निकाल लेंगे, यही सेम आपका 18 आएगा, लेकिन इस बार जब आप 72% निकाल देंगे फिर आपको 5% बढ़ाना है, मतलब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होके आएगी, जैसे आप देख सकते हैं इसका कैलकुलेशन होगा जो होता है 360 00 काट देंगे ये आ जाएगा 3.6, ये इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 75.6, ये देखिए परिवर्तन होगा और ये आपको वैल्यू मिलेगी। और देखिए कोई भी चीज़ आपकी 100 है, 100 से 75.6 हो रही है तो यहाँ जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 24.4, ठीक है। अगला कंसेप्ट हमारा, आय व्यय पर आधारित प्रश्न, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है और शेष 40% परिवहन पर, इसके बाद शेष 50% बचाता है, उसकी मासिक आय 18,400 तो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। देखिए किसी भी व्यक्ति की सैलरी कितनी भी हो, एक रुपए से लेके इनफाइनाइट, अगर मुझे पता है तो मेरे लिए वो कितनी है, 100% है। अब वो उसमें से खर्चे करता है, 30% भोजन पे करता है, तो देखिए 100 में से अगर 30% कम कर लोगे तो बचेगा उसका 70%। अब 70% जो रह गया है उसका 40%, देखिए 70 का 40% बनता जाके 28, ये क्या करता है वो, ये और खर्च कर लेता है तो बाकी कितना रह जाएगा, बाकी रह जाएगा 42 रह जाएगा, 70 में से जब 28 माइनस कर लोगे तो 42 रह जाएगा, ठीक है। बोला है इन्होंने, बोला है इसका 50% बचाता है, इसका 50% और खर्च करता होगा, इसका 50% बचाता है, 42 का 50% होता है 21, अगर वो 21% बचा लेता है ये उसकी बचत है, तो पूछा गया है कि वो कितने रुपए बचाता है, तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो सैलरी है वो है 18,400, ठीक है ना, और 21% बचाता है तो हम क्या करेंगे, 18,400 का 21% कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां से इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 3,864, ओके। देखिए क्वेश्चन अगला हमारा, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पे खर्च करता है, देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है, थोड़ा सा परिवर्तन है, आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मानेंगे इसे 100% इसकी इनकम, टोटल सैलरी मानेंगे, इन्होंने बोला है 30% करता है शिक्षा पर, इसका हम 30% जैसे ही माइनस करते हैं 70 बचता है, इन्होंने बोला है 70 का 50%, यानी 70 का 50% समझ गए हो, 35% होता है, तो ये उसका 35% बच गया। बोला गया है कि इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है, अब देखिए इसमें से अगर 1,000 रुपये मकान का किराया हटा दे तो उसके पास बच जाते 1,800, समझ रहे हैं, इसका मतलब मकान का किराया अगर जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, तो आप देख सकते हो उसके हो जाएंगे 2,800, इसका मतलब 35% बराबर अगर 2,800 है तो 100% बराबर कितना होगा, क्योंकि उन्होंने हमसे उसका वेतन पूछा है, इसलिए 2,800 के बटे में कर लेंगे 35 और मल्टीप्लाइंग बाय 100, समझ रहे हैं ना, क्या करेंगे देखिए यहाँ पे हम लोग काट देंगे, देखिए 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 5 से काट देंगे 5 = 40, यहाँ से मिल जाएगा 8,000, ठीक है ना, उसकी जो सैलरी है वो 8,000 है, 8,000 रुपये, ओके। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, किसी भी व्यक्ति की इनकम हमेशा 100 मानोगे, 5% आप माइनस कर दोगे तो बचेगा 95%, ओके। पहला वाला जो एक्सपेंस होता है वो सीधा 100 में से माइनस करते हैं, फिर बोला है शेष का 20%, आप देख सकते हैं 95 का 20% निकालोगे वो आपका अन्य
बचत बैंक में जमा करता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, आप 95 का 20% निकालेंगे वो माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा आपका 80%। जैसे कि 95 का 80% 95% का जब आप 80% निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 19 19। फिर आप जब यहाँ पे 100% निकालेंगे तो देखिए एक परसेंटेज बचाना है, इस वाले परसेंटेज को आप चेंज कर देंगे तो फाइनली देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं ये 100 आ जाएगा दो बार, एक तो इस परसेंटेज का और एक 100 का गुणा कर रहे हैं, 80 नीचे 95 नीचे, देखिए 19 एकम 19 19 पंजे 95 और 5 से काट देंगे 20 बार, 20 चौक 80 और देखिए 4 से काट देंगे 25 बार, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा 25 25, ठीक है ना, 2525। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर से 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। मैंने कहा है हमेशा आप 100% मानिए, 20% उसने खर्चा बताया है, बच गया 80। अब आप क्या करेंगे, 80 का भी 70% आप खर्च कर देंगे तो बचेगा 30%। 80% का 30% बराबर आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा 3600। तो यहाँ से आपको 100% जब निकालना होगा तो देखिए वो हो जाएगा 3600 बटे 80 गुणा 30। यहाँ पे आपका दो बार 100 आ जाना है, आप इसे जब काट देंगे फाइनली तो देखिए यहाँ से आपको मिल जाना है 1500, ठीक है ना। चुनाव पर आधारित प्रश्न, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, तो देखिए इन क्वेश्चंस में भी हम लोग शुरुआत में यही करते हैं कि चुनाव में जितने भी लोग होते हैं हमें सबसे पहले 100% एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे इन्होंने बुलाया कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, तो इसमें भी मुझे सबसे पहले यही सोचना होता है कि कुल मतों की संख्या 100% होगी। अच्छा, जब तक इसमें इनवैलिड और वैलिड मतों की डिस्कशन नहीं होगी तब तक जितने भी वोट हम मानेंगे वो सारे के सारे वैलिड होंगे, ठीक है। फिर जैसा क्वेश्चन होगा वैसा तुरंत का तुरंत मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि पहले उम्मीदवार को 65% मिला है। अब देखिए अगर पहले को 65 मिलेगा तो ऑब्वियसली दूसरे वाले को मिलेगा यहाँ से 35%, क्योंकि दोनों का टोटल 100 होना चाहिए। अब जिसको ज्यादा मिला है वो जीता है और जीतेगा भी, तो इसका जो अंतर आएगा वो आएगा 30%, ठीक है ना। 30% बराबर यहां हो जाएगा 900, यहां से काट देंगे 30 30 90, यानी कि 1% बराबर आप देख सकते हैं 30 हो जाएगा, और 100% बराबर जब आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3000, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुल वोटों की संख्या 3000 होगी, या हम कह सकते हैं मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है, 3000 मतदाताओं का नाम दर्ज है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे, ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। देखिए यहाँ पर ए और बी दो मतदाता हैं, दोनों के बीच में चुनाव में जो वोट होंगे वो 100% होंगे। बोला गया है कि 45% मत प्राप्त हुआ। अब देखिए ए को 45 प्राप्त होगा तो इसको 55 प्राप्त होगा, और दोनों के बीच में जो अंतर है वो है 10% का, और यही 10% के अंतर की वजह से वो हार जाता है, अर्थात यही आपका 1000 हो जाता है, ठीक है ना। तो 10% बराबर 1000, तो 100% बराबर जब आप निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 10000, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर हमसे ये पूछा जाए कि पहले मतदाताओं कितना वोट मिला, तो हम इसका 45%, इसका 55 निकालेंगे तो बी का आ जाएगा, बट इन्होंने कुल वोट पूछे इसलिए हमारा 10000 आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये, एक चुनाव में तीन उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 35% मत प्राप्त हुआ। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। देखिए यहाँ पर तीन उम्मीदवार हैं, हम इनका नाम फर्स्ट सेकेंड थर्ड ले सकते हैं। चुनाव में चाहे दो लोग हों या तीन लोग हों या इससे ज्यादा हों, चुनाव में कुल मतदाता 100% माने जाते हैं, और ये 100% मतदाता इन तीनों में डिवाइड होंगे। इसमें बोला गया है, मैं मान लेता हूँ ये विनर हुआ है, ये उम्मीदवार अगर जीता है तो इसको मिले हैं 45%, और इसको कहेंगे ये हारा है, ये तीसरे स्थान पर रहा है, तो इसको हम कहेंगे 25% मत प्राप्त हुआ है। तो देखिए 45 और 25 को जोड़े तो ये 70 होता है। जीतने वाले को 45 मिला है, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25, 45 25 70 होता है, 100 में 70 घटाएंगे, इसका मतलब दूसरे स्थान पर रहने वाले को 30% मत प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ये बोला गया है कि जो दूसरे नंबर पर रहता है वो 4500 मतों से हार जाता है, इसका मतलब दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वोट और पहले उम्मीदवार जो जीता है उसको मिलने वाले वोटों के बीच में अंतर आएगा 4500 का। तो देखिए वास्तव में अंतर आपका 15% है, तो 15% बराबर 4500, 15 या 45 यानी कि 1% बराबर 300,
100% बराबर यहां पर आ जाएगा 30,000, ठीक है ना। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर फर्स्ट स्थान, सेकंड और थर्ड, इसको 10% मिला, ये तीसरे स्थान पर रहा और ये इसका नाम ए है। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीता। तो देखिए ये है बिनर वाला, इसे हम बी कह देंगे, और इसको टोटल 48% मिले हैं और चुनाव जीता है, ये चुनाव जीता है 1200 मतों से। तो आप देख सकते हैं 48 58, तो ये आपका हो जाएगा 42%। 42% सेकंड पोजीशन वाले को मिले हैं और ये चुनाव जीता है 1200 से। तो आप देख सकते हैं इनके बीच में डिफरेंस 6 दूनी 12, एक बराबर 200, तो 100% बराबर यहां से निकालेंगे तो ये आपका मिलेगा 20,000, यानी कि 20,000। ओके जी हाँ, देखिए क्वेश्चन अगला हमारा मिश्रण पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, जिसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 15 लीटर घोल है, अगर इसमें 40% चीनी है तो 15 × 60 6 लीटर चीनी हो जाएगी, बाकी की 9 लीटर इसमें पानी हो जाएगा। अगर पानी को आप 3 लीटर मिला देते हैं तो देखिए पानी हो जाएगा 12 लीटर और चीनी अभी भी 6 लीटर रहेगी। पूछा गया है चीनी घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है, तो देखिए अब घोल हो जाएगा 18 लीटर और उसमें चीनी का प्रतिशत निकालना है, तो चीनी की मात्रा बटे घोल की मात्रा इंटू 100 कैंसिल कर देंगे, ये देखिए 1/3 आ जाएगा और 1/3 का परसेंटेज मान होता है 33.3%। ओके, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। देखिए 10 kg का मिश्रण है, सॉल्यूशन है, उसमें 20% लोहा है। अगर 20% लोहा होगा तो उसे बोलेंगे 2 kg, इसका मतलब बाकी का 8 kg उसमें बालू हो जाएगी, ठीक है। अब बोला गया है कि कितनी बालू और मिला दी जाए कि लोहे की मात्रा 10% हो जाए। देखो अगर लोहा 10% कर दोगे तो फिर यहाँ पे बालू 90% हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं आप बालू को मिला रहे हैं लेकिन लोहे को तो नहीं मिला रहे हैं, तो लोहा जो आपका है 2 kg वो अभी भी 2 kg रहेगा, तो वो 10% के रेशियो में रहेगा। तो आप लिख सकते हैं 10% बराबर अगर 2 kg है तो 100% बराबर यहाँ पर हो जाना है 20 kg। इसका मतलब जो चीज अभी 10 kg है वो फाइनली जब 20 kg हो जाएगी तो उसमें आपने कितना बढ़ाया है, 10 kg बढ़ाया। और क्या बढ़ाएंगे आप बालू बढ़ाएंगे, तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 10 kg, ठीक है। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर बिलियन में 25% एल्कोहल है। देखिए हम किसी भी लिक्विड की मात्रा को, देखिए इसमें 40 लीटर घोल दे रखा है और उसमें 25% एल्कोहल है, तो देखिए 25% का मतलब हो जाएगा 10 लीटर, तो बाकी का जो बचेगा वो 75% बचेगा और 75% का मतलब हो जाएगा 30 लीटर। हम इसमें एल्कोहल मिला रहे हैं, अब देखिए मिला तो रहे हैं, चाहे कम मिला रहे हो ज्यादा मिला रहे हो, तो यहाँ पर किसकी मात्रा बदलेगी, एल्कोहल की, लेकिन इसके साथ पानी बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा एल्कोहल है और ये पानी है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि एल्कोहल मिलाना है, अगर एल्कोहल कितना हो जाना चाहिए, एल्कोहल हो जाना चाहिए 20%, तो यहाँ पे पानी कितना हो जाएगा 80%। तो पानी तो हमने मिलाया नहीं है, जितना पानी पहले वाले लिक्विड में था, पहले वाले सॉल्यूशन में था, उतना ही पानी अभी भी रहना है, लेकिन अब पानी का जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा 80, तो 80% बराबर 30, 100% बराबर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 30/80 मल्टीप्लाइंग बाई 100, 0 0 काट देंगे, 8 से काटेंगे, ये 12.5 आ जाएगा। तो देखिए 12 × 36 और ये आपका आ जाएगा 37.5 लीटर। तो आप देख सकते हैं जो चीज 40 है वो 37.5 हो रही है, इसका मतलब कितनी इसमें कम कर रहे हैं, ढाई इसमें कम कर रहे हैं, यानी 2.5 लीटर। ओके, अगला कंसेप्ट है दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% धातु है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। देखिए 25 ग्राम मिश्र धातु में अगर 40% पहली धातु है तो 25 × 100 हो जाएगी 10 ग्राम, बाकी की बचेगी यहाँ पे 15 ग्राम, ठीक है। कितनी धातु कम कर दी जाए कि 50% हो जाए, अब आप देखिएगा अगर ये 50% है तो ये भी 50% है। क्वेश्चन ये है कि आप दूसरी धातु को कम करना चाह रहे हैं, ये पहली धातु है ये दूसरी धातु है, अगर 10 ग्राम का मतलब 50% है तो अगले 10 ग्राम का मतलब भी यहाँ, अगले 50% का मतलब भी 10 ग्राम होगा, तो 10 और 10 20, तो नया सॉल्यूशन हो जाएगा 20 ग्राम, और आप देख सकते हैं इसके बीच में जो अंतर आ रहा है वो आएगा 5 ग्राम का, तो 5 ग्राम कम हो जाएगा, ठीक है। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है,
वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है 10% को सिंप्लीफाई करना सीखो, 1/10। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो आगे निकालोगे 11/10, और अगर घटती है, देखिए ये प्लस के लिए बढ़ने के लिए, घटती है तो आप निकालोगे 9/10। ओके, ये कंसेप्ट होता है। तो इन्होंने बोला है बढ़ रही है और वर्तमान में जनसंख्या 1 लाख है, तो देखिए अगर 1 लाख जनसंख्या है और 3 वर्ष बाद बढ़ेगी तो 11/10। यहाँ शॉर्ट में करना चाहते तो हम यहाँ क्यूब भी कर सकते थे, 1, 2, 3 कैंसिल, 11 का क्यूब आप जानते होंगे 1331 होता है और उसमें 2 जीरो आ जाएंगी, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1,33,100। ठीक है ना? अगला कंसेप्ट है हमारा, एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है, यदि आबादी 5% की दर से बढ़ रही है तो 2 से 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आपकी जो वर्ष दे रखी है 2 से 3/5, इसको हम लोग 2 वर्ष और 3/5 अलग अलग 2 भागों में बांट लेंगे। ये 2 का मतलब ये है कि अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, इसे लिख लेंगे 1/20, ये आ जाएगा 21/20, तो इस पर होल पैगा 2 लगा दीजिए, ये 2 साल के लिए। तो देखिए आपकी जो आबादी बता रहे हैं शहर की, किसी शहर की आप जो आबादी बता रहे हैं वो 40,000 है, तो आप उसमें 21/20 का होल स्क्वायर कर देंगे इंटू, ये 3/5 के साथ कंसेप्ट आ जाएगा 1+3/100, इसका मतलब है 20×5=100। देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 40,000 यह आ जाएगा 441/800 और सॉरी ये आपका आ जाएगा 400 और ये देखिए आपका आ जाएगा 103/100। ये काट देंगे, देखिए 100 बार कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 45,423। ठीक है ना? मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है, यह उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी? देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले 4% को सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/25, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 26/25। कंसेप्ट ये है 6760 ये पॉपुलेशन वर्तमान में है और बढ़ रही है, तो इसको पलट के लिखेंगे क्योंकि इन्होंने हमसे 2 वर्ष पूर्व का पूछा हुआ है, इसलिए देखिए 26 का वर्ग होता है 676, तो ये काट देंगे 10 बार कट जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 6250। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा, एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी, 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? देखिए अगर 5 लाख थी तो यहाँ अभी निकालेंगे तो पहले घटी होगी, यानी ये 95/100, फिर बढ़ी होगी 108/100, फिर घटी होगी 90/100, 0,0 काट देंगे, देखिए यहां से काटेंगे ये कट जाएगा 20 बार और देखिए ये कट जाएगा आपका 5 से 4 बार और ये कट जाएगा 19 बार। ठीक है ना? 4 से काट देंगे, देखिए 4×2=8 और 4×7=28 हो जाएगा, गुणा ये आ जाएगा 4,617 और 2,0। ठीक है ना? एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% बराबर है, देखिए एक का 80% दूसरी के 50% के बराबर है, इसका ट्रिक देखिए, जो पहली वाली के पास लिखा है वो दूसरी का मान होता है और जो दूसरी के पास लिखा है पहली वाली का, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच में रेशियो, तो देखिए फर्स्ट नंबर इज 50% और सेकंड नंबर इज 80%। ठीक है ना? यहां से आप कैंसिल कर देंगे, 0,0 काट देंगे तो यह आ जाएगा 5:8। ठीक है ना? देखिए मैंने आपको सिखाया था, फिर से बता देता हूं कि जिसके पीछे का लगा होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, तो देखिए का लगा हुआ है पहली संख्या का, इसका मतलब पहली संख्या को लिखेंगे नीचे और दूसरी संख्या को लिखेंगे ऊपर और मल्टीप्लाइंग बाय 100 कर देंगे, कि यहां से आप कैंसिल करेंगे तो ये आपको मिलेगा 160%। ठीक है ना? किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, देखिए 4/5 भाग इसका मतलब होता है 80%। ठीक है ना? और 65% से और दूसरी कोई 65 है तो उसके बीच में जो अंतर है ना ये 60 है, तो इसके बीच में अंतर आप देख रहे होंगे, अंतर आएगा 15, तो 15% बराबर 60, 15×60 तो आप देखेंगे 100% बराबर आपको मिल जाएगा 400। ठीक है?
देखिए, इस क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट ये होता है, जैसे आपने लिखा 3/7 भाग और 40% को घटाएंगे तो 12 आएगा। 40% का मतलब होता है, देखिए 1/5 का मतलब होता है 20%, तो 2/5 का मतलब होता है 40%। तो 3/7 और 2/5 का मतलब 12 है। इसका कैलकुलेशन करेंगे, देखिए 5 3 15 और 7 2 14, ये आ जाएगा 1/35 बराबर 12। 1 बराबर निकालेंगे, 12 का करेंगे 35 में गुणा, ये मिलेगा हमको 420। इन्होंने पूछा है कि 420 का 60% कितना है, तो ये मिलेगा हमको 252। ठीक है, किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है। देखिए, किसी संख्या का 14वां भाग अगर 12 के बराबर है तो वो संख्या होगी, तो आप 14 का 12 में गुणा कर देंगे, 14 2 28, 14 1 14 और 2 16, यानी 168। ठीक है, इन्होंने बोला उसका 150% कितना होगा, आप इसका 150% कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए 252 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में, 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस का ट्रिक क्या होता है, पहले समझ लीजिए, एक शब्द होता है इसे कहते हैं बोथ, बोथ की हिंदी होती है दोनों। ये दो प्रकार का होता है, एक प्रतिशत में दिया जाएगा और एक संख्या में दिया जाएगा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं अभी हमारे इस क्वेश्चन में उन्होंने प्रतिशत में दे रखा है 50%। अब मुझे ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो बोथ आपको दे रखा है ये कैसा है, यानी कैसे लोगों का है। तो आप देख सकते हैं ये पास लोगों का है, तो आप क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, और ये पास लोगों का, इसलिए इसे बीच में लिख लेंगे 50%। ये देखिए डायग्राम होगा पहले सब्जेक्ट का, जिसमें नाम लिया गया है मैथ्स, दूसरे सब्जेक्ट का नाम लिया गया इंग्लिश। आप देख सकते हैं मैथ में पास हो रहे हैं 60%, इस मैथ के सर्कल में 60% डाटा पहुंचना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस सर्कल के अंदर 50% आपका पहुंच चुका है, अब आपको पहुंचाने की जरूरत 10 की और है, क्योंकि आपका दोनों का मिला के 60 होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ऐसे इधर देखिए, ये इंग्लिश का है, ये टोटल 70 होना चाहिए, जिसमें 50 पहुंच चुका है, तो आपको 20 लिखना पड़ेगा। इनको जोड़ेंगे 50 2 70 और 1 80, ये टोटल आपका 80% आएगा। आप क्या करेंगे, 100 में से 80 माइनस कर देंगे, 20%। और जो 20% आप देख रहे हैं, ये कैसे लोग होंगे, ये बोथ फेल लोग होंगे, जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, तो आप देख सकते हैं कुल विद्यार्थी पास हुए 80%। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है, हमें बस ध्यान देना होगा कि बोथ कैसा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20% हमको बोथ दे रखा है, और ये बोथ कैसे लोगों का है, फेल लोगों का है। तो देखिए हम डायग्राम बनाएंगे, एक डायग्राम हमारा रहेगा संस्कृत हिंदी का और एक डायग्राम रहेगा संस्कृत का। ठीक है ना, बीच में लिख लेंगे हम लोग 20। अब आप देखेंगे हिंदी में टोटल 40 होना चाहिए, जिसमें 20 ऑलरेडी लिखा है तो हमें 20 की जरूरत और है। इधर संस्कृत में टोटल 25 होना चाहिए, 20 लिखा है, हमें 5% की जरूरत है। ऐसे करके हमारा टोटल आएगा 45%। इन्होंने पूछा है कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये कैसे लोग हैं, ये आप देख सकते हैं ये सारे के सारे फेल लोग हैं। हमको पास चाहिए, तो 100 में से हम 45 माइनस कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 55%। ये जो लोग हैं इन्हें हम पास बोलेंगे, ठीक है ना, बोथ सब्जेक्ट्स में पास। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपका आंसर ही रखा हुआ है। आपसे बोला गया 35% छात्र अनुत्तीर्ण है, और आपसे अनुत्तीर्ण छात्र ही पूछे गए हैं, तो यही आपका उत्तर है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के और विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें बोध को देखना है, हमारे सामने बोध है 30%, और कैसे लोगों का है, ये फेल लोगों का है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बोध के अकॉर्डिंग ही चलना होता है, अगर बोध फेल लोगों का है तो मुझे फेल लोगों का ही डायग्राम चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दो डायग्राम बनाएंगे, एक मैथ्स के लिए और एक साइंस के लिए। तो हम ये डायग्राम फेल वालों का बना रहे हैं। अब देखिए 30% लड़के फेल है, ये फेल है, तो आपको मैथ के अंदर कितने फेल मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैथ में 60% लड़के पास है, तो फेल हो रहे होंगे 40%। ये बात आपके समझ में आ रही है, तो आप क्या करेंगे, 40 में से 30 घटाएंगे, 10 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में 65% लोग हैं, और जिसमें से
35% लोग होंगे जो फेल हो रहे होंगे, तो इसे आप माइनस कर देंगे तो ये 5% आ जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 45%। 100 में से आप 45 को माइनस कर दोगे, ये आपको मिल जाएगा 55%। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, तो आप कह सकते हैं 55% लड़के उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अगला कंसेप्ट आया है, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% अंक प्राप्त करता है, दूसरा लड़का 45% प्राप्त करता है, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अधिक अंक प्राप्त करते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर 35 और 60 अंक प्राप्त करते हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात है, एक लड़के को 40% मिला है तो उसने कितना ज्यादा प्राप्त किया है, 35। दूसरे को 45% मिला है तो उसने कितना ज्यादा प्राप्त किया है, 60। तो आप देख सकते हैं इस लड़के से इसमें कितना अंतर आ रहा है, 5%, और इधर कितना अंतर आ रहा है, इधर आप देख सकते हैं 25 अंकों का अंतर आ रहा है। तो आप देखिए, ये 25 अंक बढ़ जाते हैं 5% पे। तो भैया 5% बराबर अगर 25 होता है तो 5×5=25, 1% बराबर आपका आ जाएगा 5, और 100% बराबर अगर आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 500। और 100% हमेशा पूर्णांक को रिप्रेजेंट करता है, तो उस सब्जेक्ट में पूर्णांक होगा 500 का। ठीक है, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया। देखिए, 30% अंक प्राप्त किए और ये 30 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको और अंक दिलाए जाते तो ये पास हो जाता। 30 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करता है और वह 80 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, वो 80 अंकों से फेल हो जाता है 30। देखिए, यहां पर ये उल्टा हो गया है, जिसको कम मिलेंगे वो ज्यादा अंकों से फेल होगा, जिसको ज्यादा मिलेंगे उसको कम अंकों से फेल होगा। लेकिन कोई नहीं, क्वेश्चन का कंसेप्ट ये कहता है कि इधर 5% का अंतर है, इधर 50 है, तो आप काट देंगे 5×50, 1% बराबर अगर आपका 10 है तो 100% बराबर आपका आ जाएगा 1000। ठीक है, बस आपको आंसर देना है। बाकी क्वेश्चन में थोड़ी सी ये मिस्टेक है कि यहाँ 35% होते तो 30 से फेल होता, यहाँ 30% होते तो 80 से होता, बस इतना और कुछ भी नहीं। ठीक है, कम है। तो देखिए, यहाँ पर कंसेप्ट ये बनता है 40% और 30%। देखिए, सीता के अंक जो है वो पास होने से ज़्यादा आ गए, यानी कि 56 आ गए, और गीता के ना पास होने से कम आ गए 24। तो जब भी डाटा प्लस माइनस का होता है तो इसको ऐड करते हैं। तो देखिए, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 80, और इधर अंतर निकालेंगे तो 10 आएगा, यानी 10% बराबर 80, तो 1% बराबर 8, और 100% बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 800। ठीक है ना, 800। ओके, अगला कंसेप्ट हमारा, हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है और वह न्यूनतम अंकों से 30 अधिक है। तो देखिए, 35 प्राप्त करता है जिसके 30 अधिक अंक है, और दूसरा लड़का 25% अंक प्राप्त करता है जो कि 30 कम है। इनको हमेशा जोड़ेंगे, ये अंतर आएगा 10, 10% बराबर 60, 1% बराबर 6, 100% बराबर 600। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। ओके, इन्होंने पूछा है परीक्षा का पूर्णांक, ये तो निकल के आ गया है। इन्होंने पूछा है न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए, मतलब कम से कम कितने अंकों में पास हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 600 का 35% निकाल सकते हैं या 600 का 25 निकाल सकते हैं। चलिए 25 निकाल लेते हैं। तो देखिए, 600 का 25% निकालेंगे और उसमें 30 जोड़ देंगे। तो देखिए, जब हम 25% निकालेंगे तो 25×150 हो जाएगा, और उसमें 30 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 180। तो पास होने के लिए न्यूनतम पूर्णांक 180 चाहिए। ठीक है, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए होते। देखिए, परीक्षा में बैठने वालों का प्रतिशत 100 माना जाता है, अगर 78 पास हुए हैं तो 22% फेल हो रहे होंगे। ठीक है, और ये फेल लोग जो है यही आपके 110 के बराबर है। तो जब आप 100% कैलकुलेट करेंगे तो 110/22×100, ये देखिए कट जाएगा, 11×2=22, 11×1=11, 2 से काट देंगे 5 बार, तो यहाँ से कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 500। ठीक है, किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई, यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, देखिए 500 बॉयज और 300 गर्ल्स, इन्हें मिला दें तो ये बन जाएगा हमारा 800, और इसमें से उत्तीर्ण होने वाले हैं 70%, तो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे 30%, जो कि बनेंगे 150। पास होने वाले 70, अनुत्तीर्ण होने वाले 30,
तो ये बन जाएंगे आपके 90, इन्हें जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 240। इनका प्रतिशत पूछा है, 240 बटे 800 मल्टीप्लाइंग बाय 100, जीरो जीरो काट देंगे, 8 या 24, 30%। तो जो फेल हुए हैं उनका प्रतिशत है 30%। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए, पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। देखिए 100% लोगों ने भाग लिया होगा, जिसमें से 12% तो इन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया, जो उन कैटेगरीज को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, और बच जाते हैं यहाँ पर 88। उन 88 में से 75 को सफल कर दिया जाता है, 25 असफल हो जाते हैं। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए? ठीक है, तो देखिए आवेदन 100% लोगों ने किया था, तो हम क्या करेंगे 88 का 75% कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 88 × 75/100 आ जाएगा, 25 × 100, 25 × 75, 4 से काट देंगे 22, 22 × 66, आपका उत्तर बनेगा 66% लोग सफल हुए। ठीक है, एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, 800 लड़के लिख लेंगे हम लोग, 75% लड़के हॉकी और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों ओवर्स खेलता है तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखिए मैंने जो अभी आपको एक ट्रिक दी थी, मैंने आपसे कहा था कि जो बोथ होता है वो दो प्रकार का होता है, या तो प्रतिशत में होगा या संख्या में होगा। देखिए यहाँ पर बोथ दिया तो नहीं गया, लेकिन निकाला जा सकता है। 75 और 50 को जोड़ेंगे तो देखिए बन जाएगा 125। ठीक है ना, 125 बनने से समझ में आ रहा है कि इसमें अगर हम 100 माइनस कर देते हैं तो इसमें 25% जो एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा ये हमारा हमेशा बोथ को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हैं? तो उन्होंने हमसे ये पूछा है कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, तो आप क्या करेंगे 800 का 25% निकाल देंगे। तो देखिए 800 का 25% आप भी जानते हैं कि जब 25% का अर्थ निकाला जाता है तो 1/4 हो जाता है। तो देखिए 25 × 8 = 200 खिलाड़ी हैं ऐसे। ठीक है, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय और 40% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 70 और 40 को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 110। 100 से कितना ज्यादा है देख रहे हैं, 10% ज्यादा है। इन्होंने कहा है कि 25 कर्मचारी दोनों प्रकार का पे लेते हैं, यही 25 के बराबर हो जाएगा। जब आप 100% कैलकुलेट करोगे तो इसमें 100 का गुणा होकर के 10 का भाग लगेगा, तो हमें उत्तर मिल जाएगा 250, यानी उस कार्यालय में कुल 250 कर्मचारी कार्यरत हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 68 और 62 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 130। ठीक है ना, इसमें जो 30% है ये वो लोग हैं जो कुछ भी पदार्थ नहीं पीते, और साथ ही साथ इसमें 25% और बोले गए हैं, तो इनका टोटल हो जाएगा ये देखिए 55% लोग कुछ भी नहीं पीते हैं करके, और हम टोटल पसंद करने वालों की संख्या निकाल दें, 550 यहाँ से काट देंगे 10, 100% बराबर यहाँ से आ जाएगा 1000। ठीक है, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं जबकि 50% रोटी पसंद करते हैं, या दोनों 20% को पसंद करते हैं, तो उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो ना चावल ना रोटी पसंद करते हैं? देखिए इसमें क्या करना होगा, हमें वेन डायग्राम की मदद लेनी होगी, हमें 20 को लिखना होगा बीच में, 60 में से 20 गया तो 40 और 50 में से 20 जाएगा तो 30, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90%। जो दोनों में से पसंद नहीं करते हैं ऐसे लोगों की संख्या आएगी 10%। ठीक है, एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, यदि वृक्ष इस समय 5 फीट का हो तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? देखिए 10% का अर्थ होता है 1/10, इसको लिख लेंगे 11/10, 3 साल का कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 1331/1000। अब 5 फीट का है तो 1331/ ये देखिए कैंसिल कर देंगे यहाँ से, 6655 आएगा, और जब आप 1000 से भाग दे दोगे तो यह आ जाएगा 6.655 फीट। अगला क्वेश्चन है हमारा, 24.02 का 10%, ठीक है ना, और 24.2 के 10% से कितना कम है, तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो और आ जाएंगे, 1 जीरो कटने के बाद 2.402 प्राप्त होगा,
और यहाँ से एक जीरो आ जाएगी, इसे कटने के बाद प्राप्त होगा 2.42, वो आपको मिलेगा 0.018, ठीक है ना, ये आपको डिफरेंस मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, पी का पी प्रतिशत इज इक्वल टू 36। ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, टेट 2018 में पूछा जा चुका है। तो देखिए पी स्क्वायर बटे 100 इज इक्वल टू 36, पी स्क्वायर बटे 3600 और पी का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा 60, क्योंकि जब वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। ओके, कि मैंने आपसे कहा था कि जो इसके गुणांक में होता है वो इसका मान होगा और इसके गुणांक का ये मान होगा, तो आप देख सकते हैं a प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर, इसका मान ऊपर लिखेंगे 25, नीचे लिखेंगे 15, काट सकते हैं 5 5 25, 5 3 15, और देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3a प्लस के 3b इज इक्वल टू 5a माइनस के 5b, इसका डिफरेंस आएगा 2a और बराबर आ जाएगा 8b, a अपॉन बी बराबर आ जाएगा 8/2, यानी कि 4/1। इन्होंने पूछा है b का कितने प्रतिशत a है, मतलब b का कितने प्रतिशत, तो देखिए मैंने अभी बताया था कि जिसके पीछे का लगा होता है, तो का किसके पीछे लगा है, एक, तो आप देख सकते हैं एक को लिखेंगे नीचे, 4 को ऊपर, इंटू 100 कर देंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 400%, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल्स फिनिश हो गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज लेके उपस्थित होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।